हेलो फ्रेंड, बीपीएल पशुपालन कौशल केंद्र ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन का विज्ञापन नंबर भी आप यहां पर देख सकते हो। जैसे ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि आप केवल इस वेबसाइट के माध्यम से ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर केवल आप ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना पद के नाम, पद की संख्या और मासिक वेतन जो आपको मिलने वाला है प्रतिमाह, वो भी इन्होंने यहाँ पर इसी बॉक्स के अंदर कंप्लीटेड डिटेल बता दिया। जैसे कि यहाँ पर केंद्र अधीक्षक के लिए 314 पोस्ट है, 18,000 वेतन है। सहायक केंद्र अधीक्षक के 628 पोस्ट है, 15,000 वेतन है। कार्यालय सहायक का 314 पोस्ट है, 12,000 वेतन है। वहीं प्रशिक्षक के लिए 942 पोस्ट है, 15,000 वेतन है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसमें 628 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें इनको 10,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि यह पद फिक्स नहीं किए गए हैं, यहाँ पर पद कम और ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आप हो सके तो इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। उसके बाद इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपके पास किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप केंद्र अधीक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डिग्री नहीं है और आप 12वीं पास है तो आप यहाँ पर सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12वीं के साथ साथ आपके पास हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आपको आती है और साथ में आपको थोड़ा बहुत कार्यालय का अनुभव भी है तो आप कार्यालय सहायक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आप प्रशिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास कृषि से रिलेटेड या डेयरी से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए। यदि डिग्री नहीं है तो आपके पास 2 वर्ष का पशुधन का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। मल्टीटास्किंग में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए और आपका कार्यों का अनुभव थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे दैनिक का कार्य, साफ सफाई, ये कुछ आना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आप इसमें अप्लाई करने के लिए आयु सीमा की बात करें तो आप यहाँ पर केंद्र अधीक्षक के लिए 25 से 45 वर्ष है, सहायक कार्यालय सहायक और प्रशिक्षक के लिए 21 से 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई। मल्टीटास्किंग वालों के लिए केवल 21 से 30 वर्ष ही एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर आरक्षण छूट किसी को नहीं दी गई है यहाँ पर, और नोटिफिकेशन में किधर भी नहीं आपको बताया गया है कि यहाँ पर आरक्षण आयु सीमा में प्रदान की जाएगी। इसी के साथ यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास केवल 5 फरवरी 2023 रात के 12 बजे तक का समय है। इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए फीस की बात करें तो यहाँ पर सभी वर्गों के लिए समान फीस रखी गई है, यानी पोस्ट के हिसाब से आपको अलग अलग फीस देनी होगी, उसी हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, यहाँ पर क्लियर बताया गया है। यानी एसटी ओबीसी सभी को अपना फीस देनी होगी, हैंडीकैप को भी अपनी फीस देना ही होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कार्यालय, कर्तव्य, लक्ष्य, अधिकार, कर्तव्य और आपके लाभ, यानी जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस कैटेगरी के अंदर आपको कितना मासिक वेतन बढ़ेगा, कितना भत्ता मिलेगा, वाहन मिलेगा या नहीं, रहने के लिए घर मकान सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन पोस्ट पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी लिखित एग्जाम ली जाएगी और आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी पोस्ट में आपको सेम देखने को मिलेगा, 100 अंक के प्रश्न है, इसमें 50 लिखित एग्जाम से लिए जाएंगे और 50 इंटरव्यू के माध्यम से पूछे जाएंगे। लेकिन मल्टीटास्किंग वालों के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर इनसे एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी और केवल इनसे इंटरव्यू 50 अंक का लिया जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर लिखित एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों में अलग अलग 60% अंक लाना होगा। इसी तरह की जानकारी इस भरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना।